अब ग्रुप 16 की बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास ग्रुप 16 में, बोलो जी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और क्या आपका पोलोनियम, ठीक है। बाकी जो ब्लॉक्स आपने पढ़े हैं सब कहानियां वैसी की वैसी हैं। अगर इनमें भी अगर हम बात करें, चलो थोड़ी प्रॉपर्टीज की बात कर ही लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो इनका जनरल आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2NP4, सही है, वेल नोन है, पता ही है सभी को। अगर मैं बात करता हूँ इनकी एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस, तो नीचे जाने पर क्या होगी आपका इंक्रीज, है ना। ठीक है जी, तो इसलिए अगर हमने दो, मतलब वैसे तो हमने एल्कली मेटल, एल्कलाइन मेटल, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, पांच ब्लॉक पढ़ लिए, तो अब ये चीजें आपके लिए खूब आसान है, थोड़ा थोड़ा बस एक रफ आइडिया लेते चले। आयनेशन एनर्जी की बात करेंगे तो क्या होगा, ये भी ये नीचे जाने पर क्या होती जाएगी, डिक्रीज, है ना। चौथी प्रॉपर्टी मान लो मैं इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शन जरूर था, ठीक है ना। क्या था एक्सेप्शन, इसमें सबसे ज्यादा होती थी सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम और देन ऑक्सीजन। सबसे कम वैल्यू होती थी किसकी, आपका ऑक्सीजन की, ठीक है ना। पोलोनियम हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि पोलोनियम किस नेचर का होता है, आपका रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव है तो उसकी अननेसेसरी बात करके हमें समय कोटि करने की जरूरत नहीं है ना। तो मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको ये चार ही इनकी ध्यान रखनी है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया, है ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में हो गया, ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें बच्चों, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या क्या पढ़ा था आपको याद हो तो, सबसे पहले हमने पढ़ा था इनकी ऑक्सीडेशन क्या स्टेट, सबसे पहले पढ़ा था हमने इनकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भैया ये एलिमेंट आपका माइनस टू से लेकर कहां तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, प्लस सिक्स, माइनस टू से लेकर के कहां तक की प्लस सिक्स तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, ठीक है जी। एक्सेप्ट किसको छोड़कर, ऑक्सीजन, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन जो है आपका माइनस टू शो करता है, माइनस वन शो करता है, जीरो शो करता है, माइनस टू शो करता है, वो किसमें है ना, सभी लिख लेते हैं अपन, माइनस वन जीरो, है ना, माइनस टू शो करता है किसमें, वो ऑक्साइड में, ठीक है, माइनस वन शो करता है किसमें, वो परऑक्साइड या फिर क्या आपका सुपर ऑक्साइड, ठीक है, जीरो शो करता है वो जब वो नेसेंट मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, दैट इज ओ टू, और अगर ये फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कौन, फ्लोरीन, तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा कौन सा चार्ज आपका, पॉजिटिव, तो इन है ना विथ फ्लोरीन, वो फ्लोरीन के साथ इसके केवल दो ही वेल नोन कंपाउंड है OF2 और क्या आपका O2F2, है ना। OF2 में ये प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है और O2F2 में ये शो करता है कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस वन, है ना। तो बार बार मैं बोलता ही हूँ भैया कि एक लिमिटेशन हो गया है कि आपको फिजिकल में रेडॉक्स नहीं पढ़ाया, इसलिए ऑक्सीडेशन हो सकता है अभी निकालना ना आती हो, ठीक है ना, वो रेडॉक्स में सिखाई जाएंगी, बट जनरल रूल ये फिक्स है कि जैसे अगर हम बात करें फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आता है, माइनस वन, दो फ्लोरीन है तो कितना चार्ज हो गया नेगेटिव, माइनस टू, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज हो गया आपका, प्लस टू, बस इतना सा है, ठीक है। तो पहली चीज ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, ऑक्सीजन का एक्सेप्शन है, बाकी सभी आपका माइनस टू से लेकर प्लस सिक्स, लाइक अगर मैं सल्फर का लिखता हूँ तो H2S में वो माइनस टू शो करता है, ठीक है ना, SO2 में वो प्लस फोर शो करता है, ठीक है ना, SO3 में वो शो करता है कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस सिक्स, ठीक है ना। अब ये कैसे दे रहे हैं बच्चों, दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस टू, दो के ऊपर माइनस चार, तो सल्फर के ऊपर प्लस चार, तीन ऑक्सीजन माइनस छः, तो सल्फर के ऊपर कितना हो गया, प्लस सिक्स, तो बाकी सभी एलिमेंट शो करते हैं, ठीक है ना। दूसरी रही बात बच्चों इनकी रिएक्टिविटी विद, देखें किसके साथ, ऑक्सीजन,
तो अगर रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन देखोगे तो ये सभी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करकर दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, जो सल्फर के केस में मैंने लिखी दी है, SO2 और क्या आपका SO3। तो ये EO2 टाइप का भी कंपाउंड बनाते हैं और EO3 टाइप का भी कंपाउंड बनाते हैं, सभी सल्फर हो, सेलेनियम हो, टेलुरियम हो, या आपका पोलोनियम की तो अगर बात ही नहीं करें, क्योंकि पोलोनियम किस नेचर का होता है, रेडियो एक्टिव। पोलोनियम किस नेचर का होता है आपका, रेडियो एक्टिव। तो इसकी तो अननेसेसरी बात करके ना, मेरे को तो इसका नाम लेने में भी डर लगता है बच्चों, है ना, क्यों? रेडिएशन आ गए अगर तो वैसे ही आप लोग क्लास नहीं आते हो, फिर और भी नहीं आओगे, बीमार पड़ जाओगे ना, तो इसलिए रेडियो एक्टिव को तो छोड़ दे। बाकी सभी एलिमेंट आपका SO2, जैसे सल्फर है तो वो SO2 भी बनाएगा और SO3, है ना। सेलिनियम की बात करोगे तो SeO2 और SeO3, टेलुरियम की बात करोगे तो TeO2 और TeO3। ये सब के सब अपने क्या करते हैं, इस तरह के एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है जी। और ये सब के सब किस नेचर के होते हैं आपके, ये सब के सब किस नेचर के होते हैं, एसिडिक। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमने बोला था ना किस नेचर के होते हैं, एसिडिक। तो ये सब के सब किस नेचर के हैं आपके, एसिडिक, ठीक है ना। तीसरी बढ़ जाए बेटा पेज, हाँ। तीसरा अगर हम इसकी रिएक्टिविटी देखें विथ किसके साथ बच्चों, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे, तो अभी मैंने H2S लिखा है, तो ये सभी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, है ना, H2E टाइप का कंपाउंड बनाते हैं। और सब वेल नोन है आपका, वाटर भी बनता है, H2O भी बनता है, H2S भी बनता है, H2SE भी बनता है, और H2TE भी बनता है। तो सबके सब इसके वेल नोन कंपाउंड बनते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी हम लोग, ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके हैं। H2O में होता है कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपका सबसे ज्यादा। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बोलेगा तो H2S इज लेस देन H2SE, विच इज लेस देन H2TE, एंड विच इज लेस देन किससे आपका, H2O, है ना। बट अगर इनकी आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे जाने पर बढ़ती है। H2O की कम है H2S से, उसकी कम H2SE, और उसकी कम किससे, H2TE, है ना। क्यों बढ़ती है एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे जाने पर? एसिड का मतलब होता है जो कौन सा आयन दे आपको, H+, और नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही, तो बॉन्ड आसानी से क्या होगा, टूट जाएगा, टूटेगा तो वो उतनी आसानी से क्या देता जाएगा आपको, H+, ठीक है ना। और चौथी चीज बच्चों, अगर हम इनकी रिएक्टिविटी विद देखें हैलोजन्स, तो ये सभी हैलोजन्स के साथ कंबाइन करके, ये सभी हैलोजन्स के साथ कंबाइन करके तीन तरह के कंपाउंड, EX2 भी बनाते हैं, EX4 भी बनाते हैं, और EX6 भी बनाते हैं, है ना, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ तक जा सकते हैं, 6 तक, ठीक है ना। तो इसलिए जैसे सल्फर के केस में बात करें तो SF2 भी बनता है, SF4 भी बनता है, और SF6 भी बनता है, लाइक दैट। तो इस तरह से जो जो चीजें आपको हमने पहले पढ़ी हैं, वही सब चीजें यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी हमें पढ़ते चलनी है, ठीक है। चलो, तो ये जनरल प्रॉपर्टीज रफ आइडिया में देते चल रहा हूँ, ताकि आप NCERT जब पढ़ें तो एक बार मैंने रफ आइडिया दिया, एक बार आपने पढ़ा, फिर 12th में तो पूरा डेप्थ में लिखवा के पढ़ेंगे, तो तब तक ये चैप्टर सब हमारे अच्छे हो जाएंगे। अब कंपाउंड वाइज बात करें तो इस चैप्टर में ना कौन कौन से कंपाउंड गिवन है, ऑक्सीजन गिवन है, ओजोन गिवन है, ठीक है ना। सल्फर की बात करें तो केवल H2SO4 गिवन है, ठीक है ना, O2, O3 और क्या आपका H2SO4, दिस थ्री कंपाउंड्स आर गिवन, ठीक है। इन तीनों के बारे में मैं रफ आइडिया दे दे रहा हूँ। आइए पहले हम बात कर लेते हैं O2 की, आखिर O2 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या है, ठीक है। तो O2 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वेरी वेरी सिंपल, KClO3 लेबोरेटरी में जो सबसे पहले के ऑक्सीजन बनाया गया था, ये सब लिखा हुआ NCERT बुक में ना, अगर आप देखते चले तो I am on page number, लाए इसलिए मैंने बोला था लेके आना, 184, ठीक है ना। तो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है KClO3 को गर्म कर दो। KClO3 को गर्म करते ही आपको KCl+ क्या मिल जाता है, O2 बन गया, O2 भैया। दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपका, ठीक है ना, कि खूब सारे कंपाउंड्स हैं जो गर्म करने पर आपको क्या दे देते हैं बच्चों, ऑक्सीजन, Ag2O। Ag2O को गर्म करोगे टूट जाएगा, Ag+ किसमें, ऑक्सीजन, है ना। HgO इसे गर्म करोगे टूट जाएगा,
Hg प्लस किसमें ऑक्सीजन है ना, इसके अलावा तीसरी मेथड ऑक्साइड्स में ये दो ऑक्साइड है जो थर्मली क्या होते हैं आपके अनस्टेबल, जो थर्मली क्या होते हैं बच्चों अनस्टेबल, ठीक है ना। इसके अलावा भैया PbO2 भी गर्म करने पर PbO प्लस O2 देता है। क्यों देता है, अगर मैं PbO2 में पूछूं लेड किस ऑक्सीडेशन नंबर में है, PbO2 में लेड पूछूं बच्चों किस ऑक्सीडेशन नंबर में, +4, क्योंकि दो ऑक्सीजन है तो -4, तो लेड की ऑक्सीडेशन नंबर +4। अब बार बार मैं बोल चुका हूं अगर आपको याद हो कि लेड की +4 स्टेबल नहीं होती, कौन सी स्टेबल होती है +2, तो इसलिए +2 में आ गया और इसने क्या करा अपना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, ठीक है ना, ठीक है। इसके अलावा K-MnO4 को जब गर्म करा जाता है डी ब्लॉक में ये कंपाउंड आएगा, तो ये भी आपको K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 देता है। तो ऐसी छोटी छोटी रिएक्शंस हैं K2Cr2O7 और इम्पॉर्टेंट सभी हैं इनको गर्म करने पर, तो ये आपको K2Cr4 देता है प्लस Cr2O3 देता है और प्लस क्या देता है आपका O2, इससे भी आपको क्या मिल गया बच्चों O2 मिल गया, ठीक है। चौथी रिएक्शन बच्चों, अगर आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो, क्या कराते हो इलेक्ट्रोलाइसिस, जो आप 9th-10th में भी पढ़ चुके होंगे, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से कैथोड पर मिलती है कौन सी गैस हाइड्रोजन और एनोड पर मिलती है कौन सी गैस ऑक्सीजन, तो ये एनोड पर मिल रही है, ठीक है। बस इतना सिंपल सिंपल सी कहानी, तो ब्लॉक केमिस्ट्री ऐसी होती है। पांचवी और लास्ट प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एयर के लिक्विफिकेशन। लास्ट क्लास में आपको याद हो नाइट्रोजन भी मैंने बोला था इसी तरह से बनती है ना, एयर इज अ मेजर मिक्सचर किस किस का होता है यार, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों किस फॉर्म में होती है गैसियस फॉर्म में। आप पहले एयर को क्या कर दो भैया, लिक्विफाई कर दो, और लिक्विफाई कर दोगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा लिक्विड, और लिक्विड फॉर्म में आ गया आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका अलग अलग होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो हम उन दोनों को क्या कर लेंगे सेपरेट कर लेंगे, तो N2 भी मिल जाएगी और O2। तो ये आपको याद हो तो हमने N2 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी है ना, ये सब मैं PDF आपको भेज दूंगा, यहाँ पर भी मैंने केवल नाम लिखाया था, तो यही चीज आपकी यहाँ पर भी आपकी शामिल हो गई, ठीक है जी। चलो बच्चों अब रही बात इसकी, ये तो GMP हो गई, अब मैं बात करूँ इसकी किसकी प्रॉपर्टी, तो रफ आइडिया देने में तो बस इतना ही है कि अभी हम रफ आइडिया लेते चले। तो भैया ये कलरलेस और किस तरह की गैस है, ओडरलेस, ठीक है ना, और नॉन टॉक्सिक भी बोल सकते हो। तो आपको पता ही है इस रूम में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या आपको उसका कोई कलर नजर आ रहा है नहीं, क्या उसका कोई टेस्ट नजर आ रहा है, और ये नॉन टॉक्सिक है, मतलब ऐसा नहीं कि हमने ऑक्सीजन इनहेल करा और फिर गाना गाने बैठ गए झूम बराबर, है ना, तो ऐसा तो होने वाला नहीं, झूम बराबर झूम तो होने वाला नहीं, तो ये नॉन टॉक्सिक गैस भी है भैया, इसको सूंघने से कुछ होने वाला नहीं है, है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों, MOT से हमें पता है कि ऑक्सीजन किस नेचर का होता है, पैरा मैग्नेटिक, तो ऑलरेडी वी नो कि MOT के बेसिस पर ऑक्सीजन किस नेचर का है आपका पैरा मैग्नेटिक। तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों, ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, क्या होते हैं आइसोटॉप्स, O16 भी होता है, O17 और O18, तो ऑक्सीजन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं 16, 17 और क्या आपका 18, है ना। चौथी प्रॉपर्टी भैया कि ऑक्सीजन मेटल के साथ भी डायरेक्टली कंबाइन कर लेता है और नॉन मेटल, इतना रिएक्टिव एलिमेंट है कि ये सभी मेटल नॉन मेटल के साथ क्या कर लेता है रिएक्ट कर लेता है। मेटल्स में केवल 2 मेटल की लंका नहीं लगाता है, शायद मैंने कई बार आपसे बोला भी है, गोल्ड और क्या प्लेटिनम, और इसलिए मैंने आपको ये भी बताया था क्या कि जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं वो गोल्ड और किसके बनते हैं आपके प्लेटिनम भैया, अदरवाइज गोल्ड का इतना महंगा हमने खरीदा और काला वाला पड़ जाएगा तो मतलब ही नहीं बचा, ठीक है ना। बाकी अदरवाइज कोई भी मेटल हो, आपको याद हो तो क्या हमने एल्कली मेटल में लिथियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई थी, लिथियम का क्या बनाया था ऑक्साइड, है ना। कैल्शियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई थी, कैल्शियम का ऑक्साइड, है ना। नॉन मेटल में बात करूं बच्चों, बोरॉन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बोरॉन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई थी, क्या बनाया था आपने B2O3, ठीक है ना। एल्यूमिनियम की कराओगे Al2O3, ठीक है ना, सबकी आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा सकते हो, ठीक है ना, ठीक। अगली इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट इज अ सपोर्टर ऑफ किसका, है ना,
सपोर्टर ऑफ क्या आपका कंबशन। आपको पता ही है 9th 10th में, इनफैक्ट 9th 10th तो मैंने शायद ज़्यादा आगे बोल दिया, 6th 7th में ये एक्टिविटी कराई जाती है कि भैया एक मोमबत्ती को जलाओ और एक जार उल्टा करके ढक दो तो मोमबत्ती क्या हो जाती, बुझ जाती। खुले में वो जल रही है, क्यों जल रही है, होटल वोटल में भी कभी आपने ना मूवीज में देखा हो तो कैंडल लाइट डिनर करवाया जाता है। हाँ ये सर प्लीज ऐसी बातें करा करो सर, वी आर सर्चिंग फॉर सोलमेट सर। 5 दिसंबर टीचर्स डे से आज तक हम सोलमेट ही सर्च कर रहे हैं, तो कैंडल लाइट डिनर का हमारा सपना है सर। ठीक है, तो कैंडल लाइट डिनर में भी जो कैंडल जलती है बच्चों, उसमें ऊपर खुला रहता हुआ थोड़ा सा, है ना, ढका हुआ तो पूरा रहता है बट ऊपर खुला रहेगा, क्योंकि अगर ऊपर खुला नहीं छोड़ोगे तो फिर वो बुझ जाएगी भैया, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। तो इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये मेटल को नॉन मेटल को सभी को उनके ऑक्साइड में बदल देता है। बट अगर कोई कंपाउंड भी आ जाए जैसे ZnS है, तो ZnS की ऑक्सीजन से, या इनफैक्ट शायद मुझे जहां तक उम्मीद है कि भैया मोल कॉन्सेप्ट में हाइड्रोकार्बन का कंबशन भी बताया गया होगा, तो सबको जला देता भैया, मेटल हो नॉन मेटल हो, कंपाउंड को भी जब जलाएगा तो इनको ऑक्साइड में बदलता है। जिंक प्रेजेंट है तो जिंक का ऑक्साइड होता है ZnO, सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फर का ऑक्साइड होगा SO2, बना दे। नीचे कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन को किसमें जलाएगा ये CO2, हाइड्रोजन है तो किसमें जलाएगा H2O, लाइक दैट, है ना। तो इस तरह से बस ये आपका ऑक्सीजन की कहानी यहीं पर क्या होती है बच्चों, समाप्त होती है। ठीक है ना, अब दूसरा है आगे हमारा, ये सब PDF दे दूंगा, है ना, लिखा हुआ सब NCERT में भी वही पढ़ा रहा हूँ बट PDF भी दूंगा मैं। ठीक है, आप अभी इनको NCERT से पढ़े और PDF अपने साथ रखें। अब सेकेंड कंपाउंड है क्या इसका, ओजोन। तो ओजोन भैया ध्यान रखना, ओजोन एक क्या है आपका, एलोट्रॉप है किसका, ऑक्सीजन का। क्या है ये, एलोट्रॉप, ये कोई अलग से कंपाउंड नहीं है, इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ क्या, ऑक्सीजन। और ओजोन आपको पता है बच्चों, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर आपने सुना होगा, सन की हार्मफुल रेस जो होती हैं कैंसर कॉसिंग होती हैं, है ना, और हमारे अर्थ की सरफेस के ऊपर एक ओजोन की लेयर होती है जो उन हार्मफुल रेस को हमारे तक पहुंचने से रोकती है, उसी से हम कैंसर से बचे हुए हैं। बट अगर ये लेयर, वो रेस यहाँ तक पहुंच गई तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, जो होना चालू हो चुका है, क्योंकि डिप्लीशन ऑफ क्या हो चुका है आपका, ओजोन लेयर हो चुका है ना। सुपरसोनिक जेट्स से जो NO गैस निकलती है, ठीक है ना, जो सुपरसोनिक जेट्स होते हैं वो अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट ओजोन के साथ क्या कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, और रिएक्ट कर लेते हैं, ये शायद इसमें दिया भी हुआ है कहीं पर, है ना, हाँ ये रिएक्शन लिखी हुई है तो वो भी मैं लिखवा दे रहा हूँ। तो उससे आपकी ओजोन लेयर लगातार क्या होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही, मतलब खत्म होती जा रही, और अगर वो खत्म होती जाएगी तो वो नुकसान हमारे लिए ही है। ठीक है ना, तो ओजोन सबसे पहले, इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ किसका, ऑक्सीजन। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसकी एक ही है, बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक क्या आपका, डिस्चार्ज, बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑन किसके ऊपर, ऑक्सीजन। मतलब साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं बच्चों की ऑक्सीजन जा रही थी और उसको चुपके से पता भी नहीं पड़ने दिया और धड़ से साइलेंट चुपके वाले तरीके से, ना जैसे है ना मूवीज वूवीज में होता ना, एक आदमी जा रहा, गुंडे लोग पहले से छुपे रहते, पकड़ लिया, तो ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन जा रही थी धड़ से उसको देखा, अरे ऑक्सीजन जा रही, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, तो ऐसा नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जब बादल वादल गड़कते हैं बच्चों, है ना, ओजोन ऑक्सीजन को ओजोन में बदलने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। जब बादल वादल गड़कते हैं तो आकाश में बिजली नजर भी आती है और साथ में उसका तेजी से क्या आता, साउंड भी आता है, मतलब साउंड के फॉर्म में भी एनर्जी क्या हो रही है आपकी, वेस्ट हो रही, लाइट के फॉर्म में भी क्या हो रही, वेस्ट हो रही। तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब है, हम चाहते हैं उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में साउंड के फॉर्म में एनर्जी वेस्ट ना हो, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या हो आपका, ऑक्सीजन को किसमें देने को, कन्वर्ट होने में मिल जाए, ओजोन। इसलिए वर्ड यूज होता है कि आपका साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, है ना। एक लेबोरेटरी में अलग से एक एपरेटस होते हैं जिन्हें हम सीमेंस ओजोनाइजर बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, सीमेंस ओजोनाइजर, है ना, उसके अंदर करवाते हैं, उससे तो खैर हमें मतलब नहीं। रिएक्शन वाइज इट इज वेरी सिंपल, 3O2 कन्वर्ट होता है किसमें आपका, 2O3, बस यही इसकी इकलौती एक मेथड ऑफ क्या है, प्रिपरेशन। तो इकलौती एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, 3O2 + 2O3, इसमें भी भैया, इसमें भी केवल और केवल कितने परसेंट का कन्वर्जन होता है,
10% कन्वर्जन ऑफ O2 इनटू O3 टैक्स प्लेस। इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देने के बाद भी मात्र केवल कितने परसेंट का कन्वर्जन होता है? 10% का कन्वर्जन, ठीक है ना। और मतलब 10% ही ओजोन है, बाकी 90% क्या है? अभी भी ऑक्सीजन। और इसलिए इस मिक्सचर को नाम दिया जाता है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। इस मिक्सचर को नाम दिया जाता है क्या? ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। तो ये वर्ड आपको बस ध्यान रहे, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन भी है और साथ ही साथ ओजोन भी है, जिसमें ऑक्सीजन भी है और साथ ही साथ ओजोन भी है। दैट्स व्हाई दिस मिक्सचर इज नेम्ड एज क्या आपका? ओजोनाइज ऑक्सीजन, ठीक है ना। ठीक है जी, चलो तो यही सब चीजें बस आपका लिखा हुआ है बच्चों, और कुछ नहीं है इसमें। चलो अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में ओजोन जो है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो एक ही है। ओजोन इज ए पेल ब्लू ग्लेस, पहली लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये पूछता भी है। अगर ये गैस के फॉर्म में है तो पेल ब्लू, हल्की नीली। अगर ये गैस के फॉर्म में तो किस कलर की नजर आएगी? हल्की नीली, है ना। अगर इसे लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो इट इज एक्टिंग एज डार्क ब्लू के आपका लिक्विड, लिक्विड के फॉर्म में डार्क ब्लू लिक्विड के फॉर्म में नजर आएगी, ठीक है ना। और अगर आप इसे और कन्वर्ट करते हो बच्चों सॉलिड फॉर्म में, तो कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही, तो अब ये वॉयलेट ब्लैक कलर की नजर आती है ना। पहले हल्का नीला, फिर गहरा नीला, अब उससे भी कलर की इंटेंसिटी और बढ़कर वो वॉयलेट ब्लैक में आ चुकी है। तो ये एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है ना। साइंटिस्ट ने इसका कलर ऑब्जर्व करा होगा, ठीक है, और इसलिए आपको बताया गया है, तो पूछ भी सकता है ना। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री करके आपका चैप्टर है, ठीक है ना। उसमें आप पढ़ोगे कि 100 ppm से ज़्यादा ओजोन नहीं होनी चाहिए। 100 ppm तक हमारे सेहत के लिए सब कुछ सही है, उससे ज़्यादा हो गई तो भैया ये आपका जो ब्रीथिंग हो जाती है वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। मतलब अभी जो मैं नॉर्मल ब्रीथ कर रहा हूँ भैया, मुझे बोलते बोलते अपने आप ही मेरे शरीर में क्या है? ऑक्सीजन चली जा रही। मुझे रोक के भैया ना, योगा करते तो सुबह ऐसे करते हैं, जोर से ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं, ऐसे हंस के। और करा नहीं कहेगा आज तक? मैं करता हूँ बेटा, मैं करता हूँ, महीने डेढ़ महीने में एक बार जब इच्छा होती है। नहीं पहले रेगुलर था यार, थोड़ा छोड़ दिया, उसी वजह से ना पूरा शरीर गड़बड़ हो गया। अब तो खैर ठंड ने इतना प्रकोप डाल दिया, तो थोड़े दिनों बाद ठंड खत्म हो तो वापस मैं चालू करूंगा इसको, ठीक है ना। तो भैया अब मैं बातें करते करते, क्या मुझे अलग से ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ रही है कि बीच में रुक रहा हूँ? नहीं, क्योंकि यहाँ पर भैया कोई भी ऐसी गैस नहीं प्रेजेंट है जो हमारी ब्रीथिंग को क्या बनाए? अनकंफर्टेबल, ठीक है ना। बेटा गरीबी आ गई, अब तो बेच दिया हमको है, मार्केट में खड़े होके बेच दिया हमको। ठीक है, चलो तो ये जरूर ध्यान रखना बच्चों। एक चीज और पूछ सकता है बच्चों, वो अभी फिर थर्मोडायनेमिक नहीं हुआ है तो आप पढ़ समझ नहीं पाओगे। ओजोन का फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, साथ ही साथ इसका डेल्टा एस क्या होता है? आपका नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि आप 3 मोल गैस से 2 मोल गैस में जा रहे हो, तो ये भी ध्यान रखना। अगला पॉइंट बच्चों, वही ओजोन का मैंने बता दिया है कि हमारा जो इसका कंसेंट्रेशन होना चाहिए एटमॉस्फेयर में, वो 100 ppm से क्या होना चाहिए? कम। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आजकल जेई मेंस का तो रूल ही हो गया है कि एक क्वेश्चन हर साल वो पूछता है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट बच्चों, ओजोन एक पावरफुल क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज ए पावरफुल क्या? ऑक्सीडाइजिंग। चलो बुलावा आया है और माता ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है, मेरी माता रानी ने बुलाया है। लड़के का फोन बजता तो मैं बोलता हूँ माता ने बुलाया था, बट माता के रूप बदल चुके हैं। अब इसको क्या बोलूं? हाँ बेटा मेरे को भी पता है, तो फाइंड माय फोन, वो फाइंड माय फोन बटन वाला हिसाब है वो। मैं समझ रहा हूँ बेटा तेरी भावना को, तो मैं समझ रहा हूँ, तेरे से ज्यादा कौन समझेगा मेरे को। ठीक है, तो ऐसा कर बेटा, ऐसी घड़ी मत पहना कर, मेरे को दे दे।
ठीक है, तो ओजोन बच्चों एक पावरफुल किसकी तरह काम करता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है, ये सामने वालों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या होता है बच्चों, रिड्यूस। तो इसकी दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है वो है पीबीएस। पीबीएस जब O2 के ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो ये इसे सीधे किसमें बदल देता है बच्चों, PbSO4, है ना, और साथ में ऑक्सीजन तो क्या रिलीज होनी होनी है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, पुरानी जो पेंटिंग्स होती हैं, ओल्ड पेंटिंग्स, है ना, ठीक है। पहले आपको लेड को वाइट पिगमेंट के तौर पर यूज करा जाता है, एक इंफॉर्मेशन है। और लेड क्या होता है, एटमोस्फियर में थोड़ा सा कंसेंट्रेशन H2S का भी होता है, ठीक है। लेड H2S के साथ रिएक्ट करके PbS बना देता है, जो किस कलर का होता है आपका, ब्लैक कलर, समझे। तो वो पेंटिंग्स क्या होती है आपकी, काली पड़ जाती है। ठीक है ना। बट अगर हम उसकी रिएक्शन ओजोन से या H2O2, ऑलरेडी मैंने H2O2 में बताया था, हाइड्रोजन तो पूरा एक एक लिखाया है मैंने, तब भी मैंने ये कहानी बताई थी आपको, याद भले ना हो। H2O2 से भी आप इसे रिएक्ट कराते हैं तो H2O2 भी PbS को किसमें बदल देता है आपका, PbSO4, और इस वजह से ब्लैक से किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है आपका, वाइट। ये ब्लैक से किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है आपका, वाइट। तो भैया आपने महंगी पेंटिंग है ना, पेंटिंग्स तो खूब महंगी होती है, आपको पता ही। अभी एक मर्लिन मुनरो की पेंटिंग बिकी है थोड़े दिन पहले, 10 दिन पहले आया था पेपर में, कितने में, 1500 करोड़। बस हाँ इतना ही था बेटा, मेरे को भी मुंह से ही निकला बस, हैं 1500 करोड़, ये क्या है। अभी मेरे को बोलते मैं तो ऐसे ही है, 15 रुपये तो दे ही देता, मैं भी कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। तो मात्र वो 1500 करोड़ में बिकी भैया। तो इतनी महंगी महंगी पेंटिंग लेंगे वो काली पड़ जाएंगी, तो ओजोन इस रिएक्शन के थ्रू उन्हें क्या कर देता है बच्चों, वापस सफेद कर देता है, क्योंकि PbS और व्हाइट कलर का है ना। और इसके अलावा बच्चों KI को ये बदल देता है किसमें, I2। इन जनरल अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी बोला था, शायद मैंने नाइट्रिक एसिड में बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कुछ रूल्स होते हैं बच्चों। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के क्या होते हैं, कुछ रूल्स, क्या रूल होते हैं, वो अस को बदलते हैं किसमें, इक में, बताया था शायद मैंने एक बार, है ना। H2O2 अगर होगा तो उसे बदल देंगे किसमें, O2। आइट कोई सॉल्ट होगा तो उसे बदल देते हैं किसमें, एट सॉल्ट में, ठीक है ना। अगर HX होगा तो उसे बदल देते हैं किसमें, X2। ऑक्सीलेट होगा बच्चों तो उसे बदल देते हैं CO2। H2S होगा तो उसे बदल देते हैं सल्फर। सल्फर होगा तो उसे बदल देते हैं किसमें, SO2। SO2 होगा तो उसे बदल देते हैं किसमें, SO3 या SO4-2 भी लिख सकते हो। तो ये जनरल कंडीशंस होती हैं बच्चों। तो भले NCERT बुक में उन्होंने दो ही रिएक्शंस दी हुई हैं, बट इनमें से कोई भी रिएक्शन ओजोन भी करवा सकता है। इस जनरल रिएक्शन से बार बार जहां जहां पर KMnO4 भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7 भी है, जहां जहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे वहां वहां पर ये रिएक्शन बार बार मैं आपको याद दिलाऊंगा, और मैं याद दिलाऊंगा बार बार सुनते सुनते धीरे धीरे करके आपको ये रिएक्शन क्या होंगे बच्चों, याद भी हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों भैया अभी जो मैंने बोला कि सुपरसोनिक जेट से निकलने वाली NO गैस क्या करती है, ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाती है और वो इसे बदल देती है किसमें, NO2 प्लस साथ में बनता है क्या आपका, O2। और यही रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिप्लीशन ऑफ क्या आपका, ओजोन लेयर। दिस रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ क्या, ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर अगर खत्म होती जा रही है बच्चों तो वो आपके लिए क्या है बच्चों, नुकसानदायक है, हानिकारक है, ठीक है।